छठ पूजा इस साल क्यों ये सब हो रहा है? इस साल अब क्यों हो रहा है ये छठ पूजा? हमेशा युवा संघ है, आपको विवेकानंद युवा संघ के माध्यम से आज 13-14 बरस से हो चल रहा है यहाँ पर। ये हर तरह से सुविधा माताओं बहनों को देते हैं, रोड से लेकर यहाँ तक लाइट का सज्जा, नीचे कारपेट बिछाना, सबके दुख सुख का ख्याल रखना, स्वास्थ्य सफाई करना, घाट को सफाई करना, नौका के लिए व्यवस्था करना, और हर तरह के व्यवस्था किए हैं, जब भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। तो सुबह में है तो आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बांस उस गिरा है। हम लोग ने पूछा बांस वाले से, भाई ये कौन गिराया है? अतः जियाउल हक बोले हैं कि जियाउल हक बोले हैं और यहाँ पर वही लोग पूजा करेगा, तो हाँ पंडाल बना करके। तो अब बताइए, जो 14-15 बरस से जो करते चला आ रहा है उसके रोक करके आज जियाउल हक करेंगे हैं, तो हम लोग तो उनके इसमें नहीं जाते हैं करने के लिए। जियाउल हक पूजा करते हैं तो गंगा आरती क्यों नहीं आते हैं करने के लिए? क्यों नहीं दुर्गा पूजा करते हैं? क्यों नहीं मूर्ति पूजा करते हैं? हो जाए हिंदू करे, हिंदुओं के बीच में उनको आने की क्या ज़रूरत है? हम लोग अपने समझेंगे, हमारा जो संस्था है युवा संघ है, विवेकानंद युवा संघ है, हम लोग में अगर कोई त्रुटि हो तो गलती हो तो प्रशासन बोले कि यहाँ पर कोई गलती है। इसलिए हमको प्रशासन से जो अनुरोध है कि जो करते आ रहे हैं अमित चौबे, विवेकानंद युवा संघ जो करता रहा है उसको करने दिया जाए, नहीं तो इलाका का लोग है सो उठ करके थाना घेराव कर देगा, रोड जाम कर देगा, और यहाँ एक भी आदमी यहाँ पर छठ पूजा करने नहीं आएगा। एकदम संकल्प लिया है सभी लोगों ने, ये माताएं बहने हैं, पूछ लीजिए इससे कितना बार। वो प्रशासन का ही मतलब क्या, पूजा पाठ बंद कर दोगे?